डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य अकेडमी रांची में। आज हम लोग 40 क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग 100 बार से अधिक बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए समय बिना गवाए हुए इस प्रश्न को शुरू किया जाए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आइए चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां को अलीगढ़ विश्वविद्यालय का संस्थापक भी माना जाता है। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। तो इस क्वेश्चन को बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसी किसी परीक्षा में व्योमेश चंद्र बनर्जी देता है और कहीं कहीं शॉर्टकट में डब्ल्यू सी बनर्जी ही लिखा हुआ ऑप्शन में आता है। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष रहे थे? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों में इसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो इसका सही जवाब है 1896 में, 1896 में। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह भारत का राष्ट्रीय गान बनने वाला था लेकिन किसी कारणों से नहीं बन सका और इसे पहली बार गाया गया था कोलकाता में 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयब जी। यह प्रश्न आरआरबी गोरखपुर टीसी परीक्षा के अलावा बहुत प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह प्रश्न आरआरबी कोलकाता में पूछा जा चुका है और बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भाग में बट गया था, नरम दल और गरम दल। सूरत अधिवेशन 1907, खूब बढ़िया से याद रखेंगे, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, श्री ए ओ ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और ये एक इनमें से भरना है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, तो सिविल कर्मचारी थे। ए ओ ह्यूम एक्चुअली अंग्रेज अधिकारी था। 1885 में इसी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए ओ ह्यूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, खास तौर से रेलवे में ये सब बहुत ज़्यादा आता था, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में है, तो इसका सही जवाब है बेलगांव 1924, बेलगांव अधिवेशन 1924। एकदम भूलेंगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में एक सचिव का पद का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कलकत्ता में ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911, पहली बार कलकत्ता में जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है इसे गाया गया था। भूलेंगे नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रगान से संबंधित, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही जवाब है 3 बार। पहली बार ये 1929 में बने थे, दूसरी बार 1936 में और तीसरी बार दिसंबर 1936 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा कहीं नहीं गया है, रेलवे में ही 2-3 बार आया हुआ है इसको मैं देख रहा हूँ। तो जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था, पुराना जो क्वेश्चन लेकर मैं बैठा था, उसमें 2-3 बार से ज़्यादा ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी नहीं था, ए ओ ह्यूम जो थे वो नरमपंथी नहीं थे, बाकी जो है नरमपंथी ए ओ ह्यूम ही नरमपंथी थे, बाकी जितना नाम देख रहे हैं वो सारा गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में घोषणा कर दिया गया था, लेकिन राजधानी परिवर्तन 1912 में किया गया, तो राजधानी परिवर्तन 1912 में हुआ था और घोषणा 1911 में, इसे भूलेंगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, इसका सही जवाब होगा 1896 में, पहला ऑप्शन 19 का ए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, आप फिर से इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला 2 बार रिपीट हो गया, इसका सही जवाब होगा कोलकाता में, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित किस वर्ष किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22, बंग भंग का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुसलमान की एकता में कमी लाना था, हिंदू मुसलमान का विभाजन करना था, बंटवारा करना था, बांटना था, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान में तनाव को बढ़ाना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, करजन ने, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, करजन ने भारत का विभाजन कब किया था? यहाँ पर सुधार लीजिएगा, करजन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन नंबर डी, बंगाल विभाजन को इसने निरस्त कर दिया था क्योंकि बंगाल में बहुत अधिक हिंसा बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन था, तो जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में ये आंदोलन, उसी समय ये हुआ था, 25 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दलील राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो यहाँ दलील लिखा गया है, नरम दल यहाँ पर होगा, सुधार लीजिएगा, थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 का,
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। गृह शासन आंदोलन, जिसे होम रूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी जितना भी ऊपर आप नाम देख रहे हैं वो सब उग्र विचारधारा के थे। क्वेश्चन नंबर 33 डायरेक्ट देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट क्यों है? क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूह के बीच मतभेद को सुलझा लिया गया था। 1907 में कांग्रेस पार्टी बटी थी और फिर से 1916 में कांग्रेस पार्टी एक हो गई थी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसका सही जवाब है श्रीमती एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य। ऑप्शन नंबर सी, होम रूल लीग आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया थी, ये गलत बात है। बाकी ए बी डी जो ऑप्शन दिया गया है वो सारा ऑप्शन सही है। ए बी डी सही है, सी ऑप्शन गलत है, असत्य पूछा गया था। क्लियर? जिसको हम सत्य पढ़ दिए थे और उस हिसाब से फिर ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सी नंबर असत्य है, गलत है, बाकी ए बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है चंपारण और खेड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी दोनों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मोहनदास करमचंद गांधी की माता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पुतलीबाई। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था। क्वेश्चन नंबर 38। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 40। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो इसका सही जवाब है चंपारण आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 40 का बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो आप खुद से उसका आंसर देंगे, इसलिए इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।